So today we will be solving example number 1. तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज अ स्टील बार ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 12 एमएम डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 30 किलो न्यूटन. फाइंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. टेक ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मतलब स्टील बार की लेंथ दी गई है 1.5 मीटर. सो लेट अस राइट डाउन द डेटा. लेंथ मैंने यहां पे लिख दी 1.5 मीटर और मैंने उसको एमएम में कन्वर्ट कर दिया. तो दोस्तों यहां पे एक चीज नोट कर लो. वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू न्यूटन एंड मीटर. सॉरी एमएम. न्यूटन एंड एमएम. सो लेंथ ऑफ द रॉड इज 1.5 मीटर. दैट इज 1500 एमएम हियर एज शोन इन द फिगर. 12 एमएम डायमीटर. सो डायमीटर हियर गिवन इज 12 mm. D is equal to 12 mm. It is subjected to an axial force of 30 kN. Axial force of 30 kN. मतलब इसकी एक्सिस पे फोर्स लगाया जा रहा है. अभी हमने टेंसाइल फोर्स एज्यूम किया है. दैट इज P. बट वी नो द वैल्यू. दैट इज 30 kN. सो P इज इक्वल टू 30 kN. और जैसे मैंने बताया वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन. सो 30 × 10�³ न्यूटन. 1 kg इज इक्वल टू 10�³. एंड वैल्यू ऑफ ई इज गिवन 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ये ऑलरेडी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है सो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट. देन आफ्टर एरिया. एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. दिस एरिया द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स. जो एरिया फोर्स को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है उसका एरिया. दैट इज π/4 d^4. दैट इज 12^4. सो आई गॉट दिस एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस रॉड. दैट इज 113.09 mm². सो आई हैव रिटन ऑल द डेटा. That is length, diameter, force. ये P मतलब force होता है. E मतलब modulus of elasticity. A is cross sectional area. So let me write down here. L is equal to length. D is equal to diameter. P is equal to force. Tensile. यहां पे हमने tensile assume किया है. ये tension में है, खींचा जा रहा है. E is equal to Young's modulus or modulus of elasticity. A is cross sectional area. Now what we need to find is stress, that is sigma, and strain, that is epsilon. ये दोनों चीजें हमें find करनी है. तो ये हो गया हमारा data. So first formula of sigma is equal to P by A. Force is equal to force upon stress is equal to force upon cross sectional area. तो P हमने find कर लिया है. A हमारे पास है 30 × 10�³ upon 113.09 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. सो हमारा आंसर आ गया 265.27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ये हो गया हमारा स्ट्रेस. दैट इज सिग्मा. देन आफ्टर फॉर फाइंडिंग स्ट्रेन. ये हो गया स्ट्रेन का फॉर्मूला. पर इसके लिए वी नीड टू फाइंड स्ट्रेस विच वी ऑलरेडी फाउंड. स्ट्रेस पहले फाइंड करना पड़ेगा जो हमने पहले ही कर लिया है. एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई. ये फॉर्मूला इसमें से आया है. जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन. यहां पर मैंने स्ट्रेन को सब्जेक्ट बना दिया. स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. और पुटिंग डाउन द वैल्यूज आई डायरेक्टली गेट द आंसर. दैट इज 1.326 × 10⁻³. और एज वी नो ये स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता. दैट इज यूनिटलेस.
ये हो गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन एंड इट वॉज क्वाइट सिंपल, जहां पे दो ही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस का और एक स्ट्रेन का। इन माई नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यूइंग विद द एग्जाम्पल नंबर टू। टिल दैट टाइम डू वॉच ऑल माई वीडियोज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।